Good morning, madam. Very good morning. Please sit down. Myself, Bhavna, your accounts lecturer. Let's start our class with introduction. Okay, let's start from you. I'm Kishore Kumar, my dad into textile business. After completion my course, I will handle my father business. My dad is a bank manager. My father is an engineer. My father is a doctor. This is Vikram. I want to complete CA and look after my father's firm. Very good. My name is Shiva Kumar, ma'am. What's your father? Auditor. He's auditor, ma'am. Auditor. Next. और मैम मेरा नाम अरुण है, मेरे पिताजी रेलवेज में काम करते हैं। ओके। मुझे लाइफ से बड़ी उम्मीद थी, देखो आज कहां पर हूं। सॉरी मेरे भाई, मैंने तुझे भी सब में फंसा दिया यार, ये क्या किया मैंने। भाई इसलिए हमेशा बड़े यही कहते हैं, दिल से मेहनत करो तो कामयाबी जरूर मिलती है। अरे तो चल फिर। चलो आराम से। ये कौन सी जगह? उठो स्पाइडी उठो, आराम से आ जाओ आ जाओ। नहीं ये होगा यार, ऋतिक रोशन के पेट पर ये फोल्ड्स तो देखो, कमाल है। इनको फोल्ड्स नहीं सिक्स पैक्स बोलते हैं। जब भी जॉन अब्राहम हंसता है तो उसे डिंपल्स आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। ये क्या बातें कर रही है भाई, क्या सारी लड़कियां लड़कों के बारे में ऐसी बातें करती हैं? अरे मुझे जरा खीरा तो पास करना। ये डार्क सर्कल्स के लिए अच्छा इलाज है। ब्यूटी टिप्स है वो। साला डार्क सर्कल्स की पड़ी है इनको तो। चुक, 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 चुक। अरे कौन हो तुम? मैम वो दिनेश भाई। ओ फर्स्ट ईयर। हाँ ये रहा फोन। चलो जल्दी से अंदर आ जाओ, अंदर बेड भी है। बहन मैं तुम्हारे छोटे भाई जैसा हूँ, ये गलत है। ओए चुप हो जा, पकड़ लिए जाओगे और कूट दिए जाओगे। पकड़ लिया चलेगा, मैं अंदर नहीं आ रहा, मुझे जाने दो प्लीज। ए चार्जर चार्जर मारो इसको, पकड़ो इसको, पकड़ो इसको, पकड़ो इसको, मारो इसको। ये क्या हाल हो गया भाई तेरा? तू फिक्र मत कर, मैं तुझे यहाँ से बाहर निकालूंगा। गर्ल्स हॉस्टल में क्या कर रहे हो? ए आपसे बात नहीं करनी, जाइए वार्डन को बुलाइए। वार्डन को बुलाओ। वेयर इज द वार्डन? क्या कर रहा है? मैं ही वार्डन हूँ। तो फिक्र मत कर, मैं बात करता हूँ। मैडम आप वार्डन है? इस लेडीज हॉस्टल में इतनी खूबसूरत लेडी वार्डन है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। भाई यही वार्डन है क्या? अरे बेटा यहाँ की मैं ही वार्डन हूँ। इतनी सी उम्र में आप वार्डन बन गए हो मैडम? आपकी पक्का चाइल्ड मैरिज हुई है ना, ऐसा ही लगता है। नहीं नहीं बेटा, मेरी उम्र इतनी भी कम नहीं है, मैं 40 की हूँ। हो ही नहीं सकता मैडम, 40 की तो लगती नहीं, मुझे तो आप 22-23 की लगी, सच में ऐसा ही लगता है। आपने इस एज में भी क्या मेंटेन किया है, देखो इसे भी यकीन नहीं हुआ। क्या सच में? पर तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अरे मैडम ये बहुत दूर से आया और इसको अपनी माँ की याद आ रही है, पर बेचारा उनको मिलने भी नहीं जा सकता, इसलिए शायद ये यहाँ पहुँचा। मैडम मैं इसे बचपन से जानता हूँ मैडम, ये मेरे ही गाँव का है। ये बहुत ही भावुक लड़का है मैडम, और हमेशा घर को ही याद करता रहता है। सही कह रही है। इसे अपने घर जाना है, इसे अपनी माँ से मिलना है, बस यही जिद पकड़े हुए है तब से, हमेशा यही कहता रहता है मुझे मेरी माँ से मिलवा दो। अरे अरे रो मत बेटा, उदास मत हो, बस ऐसे यहाँ रात को दोबारा मत आना। अरे मैडम बिल्कुल भी नहीं, मुझे अगर पता होता कि यहाँ इतनी खूबसूरत वार्डन रहती है तो आपको परेशानी नहीं होती। सॉरी मैडम, चल भाई चल यहाँ से चले। हेलो वहाँ कहाँ जा रहे हो, वहाँ से जाओ। I'm so sorry madam, किधर फंसा दिया तूने? चल अब यहाँ से, चल 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 चल। Bye ladies, cheers. तुम लोग मुझे अच्छे लगे, मेरा कॉलेज अब खत्म होने वाला है और अब से तुम कॉलेज पर राज करो। Hey. Thanks भाई। तुम्हारे बारे में प्यून स्वामी को बता दिया है, अगर कुछ भी चाहिए तो उनसे बात कर लेना। ठीक है भाई। I love you sir. अरे भाई ऑमलेट लेकर आओ। सॉरी भाइयों मुझे देर हो गई। Cheers. अरे कुमार इतनी भी जल्दी क्या है? अरे अब से सब जल्दी ही होगा, मेरा बेटा एक ऑफिसर बनने वाला है, ऑफिस में सब उसके नाम से कांपेंगे और उस दिन मैं उस कमीने को बताऊंगा। अरे अंकल चिल्ला क्यों रहे हो, आराम से पियो ना। ए, लड़के मैं और चिल्लाऊंगा, मेरा बेटा एक बड़ा ऑफिसर बनने वाला है। ऑफिसर?
तो अपने ऑफिसर को ना अपने घर में रखो। हाँ ये बार है, यहाँ के राजा पियक्कड़ होते हैं, पड़ाकू नहीं। ये आवाज हे भाई, पापा जैसी आवाज लग रही है। पागल है, इस लड़की की आवाज मेरे बेटे जैसी है ना। तुम हमेशा अपने बेटे के बारे में ही क्यों सोचते रहते हो, कुछ और नहीं सोच सकते क्या? पियो यार। अरे नहीं, ऐसा नहीं है, ये उसके जैसी आवाज थी, मैं देख कर आता हूँ। ए कुमार रुक जाओ, अरे तुम लोग ये कभी नहीं सुनता। मेरा बेटा तो अब भी बादाम दूध पीता है, वो हर बार में बुद्धू कहीं का, ऐसा सोचा भी कैसे। सॉरी, अरे वो मेरा बेटा नहीं था, कोई और था। चुपचाप यहाँ के बैठ जाओ। हाँ फिर से चीयर्स। चीयर्स। ठीक है मैं निकलता हूँ, घर ठीक से जाना। ओके अब क्या क्या सोच रहे हो, बदबू की चिंता है क्या? अरे उसके लिए तो टेक्निक है ना भाई, पर कॉलेज में एक टॉपर बनने के लिए कोई आसान टेक्निक नहीं है। हा? तो उसके लिए हम पेपर्स दे रहे हैं ना भाई, सवाल काफी रहेंगे क्या, जवाब पता होना चाहिए, लिखना भी आना चाहिए। अगर ये भी नहीं कर सकते तो पढ़ाई ही क्यों कर रहे हो? मैंने कब कहा कि मुझे करनी है, जिसने ये एजुकेशन सिस्टम बनाया उसकी कुटाई करनी है। अरे रेल में समोसा बेचने वाला भी ना 1,00,000 रुपए महीना कमाता है। हाँ भाई, कल से हम लोग भी समोसा बेचते हैं। चप्पल से मारूंगा, रहने दे गंदी हो जाएगी। अगर हम इस बिजनेस में भी आ जाए ना, तब भी हमारे पेरेंट्स फर्स्ट आने पर ही जोर देंगे। ठीक है, तुम्हारे क्लास का टॉपर कौन है? मैं बताता हूँ ना, किशोर कुमार, वो हमेशा टॉपर रहेगा। तो फिर एक काम करो जानकी, यहाँ क्या हो रहा है, ये स्पेशल पूजा क्यों? आपको अभी तक बताया नहीं क्या? हम अपने बेटे का नाम किशोर कुमार रखने वाले हैं। हाँ? किशोर कुमार, पर क्यों? नहीं नहीं, आइए ना बैठ कर बात करते हैं। दरअसल बात यह है कि न्यूमेरोलॉजी कहती है कि अगर मैं नाम बदल कर किशोर कुमार रख दूं, तो मैं कॉलेज का टॉपर बन जाऊंगा, ऐसा यूट्यूब में देखा है। पर ये शिवा कुमार के नाम में क्या खराबी है भला? वो तो इसलिए रखा क्योंकि मेरी राशि कुंभ है। तो फिर कुंभ कुमार रख लो। नहीं नहीं प्लीज, बहस मत कीजिए, नाम तो किशोर कुमार ही मैच करेगा। मैच मतलब, इसका क्या मतलब है? मेरा मतलब है कि देखिए मेरा फोन बज रहा है, ये अच्छा संकेत है, एक मिनट बस। हाँ, अच्छा संकेत है ना। अरे उसका फोन हर 5 मिनट में बजता रहता है, ये कोई संकेत हुआ बेवकूफ। हेलो। अरे क्या रे, मैंने सुना तू सच में अपना नाम बदल रहा है। हाँ मैं अभी ये करने वाला हूँ। सुनना, जब मैं अपना नाम बदल लूंगा तब मैं उस नाम की अटेंडेंस, प्रोग्रेस रिपोर्ट लाकर, मार्कशीट दिखाकर घर में सबको मना लूंगा कि मैं टॉपर हूँ। सही है भाई, लगे रे। हे, कॉलेज में किसी को भी पता नहीं लगना चाहिए, ये बिल्कुल टॉप सीक्रेट है, समझ गया? हाँ, काजल के अलावा किसी को मालूम नहीं पड़ेगा। अरे पापा आ गए, बाद में बात करते हैं। हाँ ठीक है चल। हाँ पापा। ये नाम बदलने के बाद तुम ऑडिटर बन जाओगे पक्का ना? बिल्कुल पापा। पता नहीं तुम्हें कुमार बोलने की आदत सी हो गई है। इसमें कौन सी बड़ी बात है, शिव कुमार हो किशोर कुमार हो, रहेगा तो हमारा कुमार ही। सही कहा। हमार तुझे क्या चाहिए? पोटैटो चिप्स। और तुझे? मेरे लिए चावल मंगा। हाँ, हमारे लिए एक डोसा, एक प्लेट पोटैटो चिप्स और एक प्लेट चावल। नहीं भाई, पहले के पैसे बाकी हैं। ये बताओ कितने हुए? देखो तुमने साल भर में कुछ नहीं भरा है। ये बिल इतना ज्यादा कैसे हो गया? बाद में भरता हूँ, पहले ऑर्डर लाओ। ऐसे तो हमें कैंटीन बंद करना पड़ जाएगा। इन लोगों को देखो, तुम्हारे पास तो बहुत पैसा होगा, सब भर दूंगा, पहले ऑर्डर लाओ। अरे तू छोड़िए तो। पागल इंसान, अगली बार से नहीं दूंगा। पता नहीं क्या बकवास किए जा रहा है यार, मेरा बिल इतना ज्यादा हो ही नहीं सकता। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स कल से ज्वाइन करने वाले हैं, अब तुम लोग कोई बड़े सीनियर्स नहीं बन गए हो, रैगिंग के बारे में सोचना भी नहीं है, ठीक है? सर हम किसी की भी रैगिंग नहीं करेंगे। हाँ सही कह रहा है सर, रैगिंग करना तो हमारे खून में ही नहीं है, और लड़कियों की तो बिल्कुल नहीं, खूबसूरत की तो कतई नहीं। सर एक और लड़की है जो शायद आपके रिश्तेदार है, कावेरी, हम उसे बिल्कुल भी तंग नहीं करेंगे, प्रॉमिस प्रॉमिस। देखा आपने सर, कैसे इनके बेहतरीन दिमागों ने सारे नंबर याद कर लिए हैं। शायद इन लड़कियों के पेरेंट्स भी इतना सब कुछ ना जानते हो, पर इन लड़कों के पास सारी खबर रहती है। सर उनमें से एक टॉपर अवंतिका है, हम उसकी भी रैगिंग नहीं करेंगे। हाँ, जैसे मैं तुझे करने भी दूंगा। ए, तू होता कौन है मुझे रोकने वाला? मेरे सामने शरीफ बनना बंद करो, हॉस्टल में सिटअप्स या ऐसी कोई भी चीज हुई तो देख लेना, समझे? अरे नहीं सर, वो सिटअप्स वगैरह सब पुराना हो गया है, अब तो नई चीजें आ गई हैं, जैसे कि जूनियर से प्रोफेसर बुलवाना, उन्हें गालियां देना, प्रोफेसर की एक्टिंग करवाना, उन पर हंसना। सुनो लड़कों, अगर तुमने ऐसी कोई भी हरकत की तो मैं बहुत सीरियस एक्शन लूंगा, समझे? सर ये सब आसपास के कॉलेज में होता है, हमारे कॉलेज में ऐसा कुछ नहीं होता, यकीन मानिए। फिर मिलेंगे सर, गुड आफ्टरनून। बाय सर। बाय सर। ये क्या है? अभी तक तो जूनियर्स आए भी नहीं हैं।
और इनके पास लिस्ट भी तैयार है। ये किस कमीने का काम है? सर बहुत कमीने हैं जो सिर्फ एक बियर की बोतल के लिए सब कुछ करने को तैयार रहते हैं। सर आप मेरी तारीफ क्यों कर रहे हैं? मैं तो बियर पीता ही नहीं हूँ। ओनली हार्ट।